परसिवरेंस नासा की ओर से भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रोवर है और नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर परसिवरेंस की सफलता के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनमें से एक भारत मूल की स्वाति मोहन भी हैं। भारत की बेटी कैसे बनी मंगल पर नासा के ऐतिहासिक कदम की आवाज देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। परसिवरेंस नासा की ओर से भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रोवर 1970 के दशक के बाद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का ये नौवां मंगल अभियान है। रोवर को किसी ग्रह की सतह पर उतारना अंतरिक्ष विज्ञान में सबसे जोखिम भरा कार्य है क्योंकि अतीत में किए गए ऐसे प्रयासों में से मुश्किल से आधे प्रयास ही सफल हुए हैं। नासा के रोवर परसिवरेंस मिशन को लेकर स्वाति मोहन ने बीते दिनों में कुछ ट्वीट्स भी किए हैं। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं काफी बिजी शेड्यूल के बाद और काफी देर तक काम करने के बाद घर जा रही हूँ। इसके बाद उन्होंने इसकी लैंडिंग की उल्टी गिनती कर रही एक क्लॉक की फोटो भी ट्वीट की थी। रोवर की मार्स पर लैंडिंग से पहले उन्होंने लिखा कि अपनी टीम की मांग पर मैंने अपने बालों को ऐसा रूप दिया है। स्वाति इस पूरे मिशन में GNC और दूसरी टीमों के बीच एक की कम्युनिकेटर की भी भूमिका निभा रही हैं। अपने वैज्ञानिक बनने और नासा से जुड़ने की बात का खुलासा करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि मैं जब 9 वर्ष की थी तब टीवी पर आने वाले प्रोग्राम स्टार ट्रेक को बेहद मन से देखा करती थी। इससे मुझे ब्रह्मांड के नए खुलासे करने का मन करता था। मुझे ये जानने में अच्छा लगता था कि पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर भी कुछ है। यहाँ से मुझे ब्रह्मांड को खंगालने की धुन सवार हुई थी। मुझे लगने लगा था कि मुझे भी इस ब्रह्मांड के नए सवालों का जवाब तलाशने हैं। जब मैं 16 साल की थी तब मेरे दिमाग में पेडिटेशन बनने का ख्याल आया, लेकिन इसी दौरान मुझे मिले फिजिक्स के टीचर की बदौलत उनके मन में दोबारा इंजीनियर बनने का ख्याल मन में आया था। इसके बाद मेरी दिलचस्पी स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ती ही चली गई। जिस वक्त मेरी वर्षों की मेहनत को मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया जाना था उस वक्त मैं और मेरी पूरी टीम काफी नर्वस हो गई। इसकी वजह थी मंगल की पथरीली सतह पर हमारा रोवर कितनी सफलता से उतरेगा। मेरी और मेरी टीम में इस दौरान कई तरह के विचार आ रहे थे। इनमें एक ये भी था कि यदि किसी गलती की वजह से मिशन नाकाम रहा तो हमारी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमारी वर्षों की मेहनत रोवर परसिवरेंस के लैंडिंग के आखिरी 7 मिनट पर टिकी हुई थी क्योंकि ये पल बेहद मुश्किलों भरे थे। इस रोवर को एक ऐसी जगह पर उतारना था जो बेहद पथरीली थी और जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर थे। यहाँ पर वो सब कुछ था जो रोवर को नुकसान पहुँचा सकता था। भारत की बेटी स्वाति मोहन मंगल पर नासा के ऐतिहासिक कदम की आवाज बनी है और इसी वजह से स्वाति मोहन ने भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।